प्रोग्राम में शामिल हुए। कराची में आप मौजूद हैं, कराची में आप काम करते हैं, बाई लिंक आप प्रोग्राम सुन रहे हैं। अजहर साजन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जनाब। खुश रहें जनाब, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। अब्दुल मलिक जान भी हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल मलिक जान जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इमरान खान मेरा साथ दे रहे हैं। इमरान खान, बहुत शुक्रिया आपका। अब्दुल मालिक जान लिखते हैं, तुम एक दिल को लिए बैठे हो, तुम एक दिल को लिए बैठे हो, इश्क नस्लें उजाड़ देता है। तुम एक दिल को लिए बैठे हो, दिल नस्लें उजाड़ देता है। मलिक जान, क्या ही बात है, इश्क नस्लें उजाड़ देता है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ही अच्छी लाइंस आपने सर्न की। मोहम्मद अकबर न्याजी भी प्रोग्राम में शामिल हुए। मोहम्मद अकरम न्याजी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आप लिखते हैं, कुछ तो रहम कर मेरे दिल पर, कुछ तो रहम कर मेरे दिल पर, दिल मेरा आईजी भी का है। जनाब आप जो लिखते हैं ठीक लाइंस लेकर सेंड कीजिए। मुस्कान साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं, लोधरा में आप मौजूद हैं, प्रोग्राम सुन रही हैं। मुस्कान साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप लिखती हैं, बहुत मजबूत थे हम मगर वो कहते हैं ना, बहुत मजबूत थे हम मगर वो कहते हैं ना, मोहब्बत अच्छों अच्छों को रुला देती है। बहुत मजबूत थे हम मगर वो कहते हैं ना, मोहब्बत अच्छे अच्छों को रुला देती है। मुस्कान साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ही अच्छी लाइंस आपने सेंड की। यूनिस नवाज हमारे साथ मौजूद हैं। यूनिस नवाज खान, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। खुश रहो जनाब, आबाद रहो। मार नसीम अब्बास सुपर प्रोग्राम कहते हैं। मार नसीम अब्बास, बहुत शुक्रिया आपका। मोहम्मद शफी खान कैरोड पक्का में मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जनाब आबाद रहो, खुश रहो, हंसते मुस्कुराते रहो जनाब, कहीं दुख आपकी जिंदगी में ना आए। आमना साहिबा बहावलपुर में मौजूद हैं, प्रोग्राम सुन रही हैं। आमना साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। 4471 के मैसेजेस मेरे सामने मौजूद हैं। सायरा चौधरी साइबर प्रोग्राम में शामिल हुई। सायरा चौधरी रहीम यार खान में मौजूद हैं और आप लिखती हैं, आपका प्रोग्राम नाइस है, आप भी बहुत ही नाइस हैं, रात के इस पहर प्रोग्राम सुन रही हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फर्स्ट टाइम लिसनिंग टू मी, और आप पहली दफ़ा मुझे सुन रही हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आप लिखती हैं, छोड़ने वाले छोड़ जाते हैं, छोड़ने वाले छोड़ जाते हैं, मकाम कोई भी हो, छोड़ने वाले छोड़ जाते हैं, मकाम कोई भी हो, निभाने वाले निभा जाते हैं, हालात कैसे भी हों। सायरा चौधरी साहिबा, बहुत ही हार्ट टचिंग लाइंस आपने मुझे सेंड की हैं, जो मेरे दिल को लगी है, बहुत ही अच्छी लगी मुझे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अल हुसैनी लिसनर क्लब के सिक्योरिटी पुराना खानेवाल से इरशाद अहमद टीलर मास्टर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। इरशाद अहमद टीलर मास्टर साहब, जनाब बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में शामिल होने का। 11:30 AM It's time for commercial break. खुशखबरी, खुशखबरी, खुशखबरी। शादमान हाउसिंग में प्लॉट लेना हुआ बहुत आसान, एडवांस सिर्फ 10%, और महाना के सिर्फ 3,000 फी मरला। आज ही ऑफिस तशरीफ लाएं और नगद और 5 साल आसान अकसात पर प्लॉट हासिल करें। शादमान में तरक्याती काम तेजी से जारी है। शादमान लोधरा शहर की बेहतरीन हाउसिंग स्कीम, हम नहीं कहते हैं आप। एड्रेस, साइट ऑफिस बिल मुकाबल वापरा एम्प्लॉय कॉलोनी मेन मुल्तान रोड। मालूमात के लिए राबता करें 0300-6666-846-0363-66-846। ब्यूटी क्रीम,
खूबसूरती ऐसी जो आप चाहें। ज़ाफ़रान ब्यूटी क्रीम रंग गोरा करने वाली वाहिद क्रीम। ज़ाफ़रान ब्यूटी क्रीम कील महासे छाइयां दाग धब्बे खत्म करके जिल्द को नई आबोताब बख्शती है। ज़ाफ़रान ब्यूटी क्रीम जिल्द की झुर्रियों को कम करके नौहेजी बख्शती है। ज़ाफ़रान ब्यूटी क्रीम आंखों के गिर स्याह हल्कों को खत्म करके जिल्द को कुदरती ताजगी फराहम करती है। ज़ाफ़रान ब्यूटी क्रीम चेहरे को दे ऐसा निखार जो रहे हमेशा बरकरार। ज़ाफ़रान ब्यूटी क्रीम वाहिद क्रीम है जो कि रंगत को गोरा करने के साथ साथ मेकअप के असरात सूरज की शुआओं गर्दो गुबार से महफूज रखती है और जिल्द को दिन भर शगुफ्ता और तरोताजा रखती है। ज़ाफ़रान ब्यूटी क्रीम अपने क्रीमी जनरल स्टोर से नाम लेकर तलब करें। अब तो मैं भी बन सकती हूँ शहजादी जैसी हसीन, क्योंकि आ गई है शहजादी ब्यूटी क्रीम रंग गोरा करने वाली वाहिद क्रीम जो बना दे मुझे 5 दिनों में शहजादी जैसा हसीन। शहजादी ब्यूटी क्रीम जिल्द को निखारने के लिए टॉनिक के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। शहजादी ब्यूटी क्रीम वाहिद क्रीम है जो रंगत को गोरा करने के साथ साथ मेकअप के बद असरात सूरज की शुआओं और गर्दो गुबार से जिल्द को महफूज रखती है और आपके जिल्द को बनाती है तरोताजा और जानसीबे नजर। चेहरे को दे ऐसा निखार जो रहे हमेशा बरकरार। शहजादी ब्यूटी क्रीम अपनी उम्र से कम नजर आने का राज। शहजादी ब्यूटी क्रीम कील मुहासे आंखों के गिर स्याह हल्के छाइयां और जिल्द की झुर्रियों को कम करके आपके जिल्द को नई आबोताब बख्शती है। शहजादी ब्यूटी क्रीम 6 एक्शन फॉर्मूला फॉर मेन एंड वुमेन। शहजादी ब्यूटी क्रीम रंग गोरा करने वाली वाहिद क्रीम अपने क्रीमी जनरल स्टोर से नाम लेकर तलब फरमाएं। खान साहब आधा में मोटरसाइकिल घिंदा पिया घेन नहीं आता है ना। मलिक साहब घिंदा तपिया हम लेकिन कुछ पैसे खोट गए नहीं घिन सकिया। खान साहब जेड़े पैसे हैं चावा मैं तेकू मोटरसाइकिल घिन देना। अपने शहर लोधरेंच मलिक मोटर्स शोरूम दा इफ्तिताह थी चुके। जेड़े पैसे हैं दितिया सू मोटरसाइकिल छिकिया सू बाकी किस्ता करा घिन सू। मलिक मोटर्स आले सारी कंपनियां दे मोटरसाइकिल नकद अते आसान किस्तां दे देंदे अते रेट भी बिल्कुल मुनासिब देंदे। इन्हां कोल रोही सतलुज ते यूनाइटेड मोटरसाइकिल दे खूबसूरत मॉडल दस्तयाब हैं ते सुन मलिक मोटर्स आले 14 अगस्त तक हर मोटरसाइकिल दे नाल एक कीमती हेलमेट बिल्कुल फ्री देंदे पेन। वाह भी वाह ई मलिक मोटर्स हे की था इन्हां दा एड्रेस ते नाम पता ता दसा। मलिक मोटर्स शोरूम नज़द चुंगी नंबर 2 मुल्तान रोड लोधरा। राबता नंबर मलिक शहजाद 0387841913 मलिक अब्बास 0368841913 मलिक उमर 0372774924। वाह लाबख्श वाह माशाल्लाह तुम्हारे जानवर ए मंजी गई इतने मोटे ताजे ते सेहतमंद हैं क्या राज है काका। राज कोई नहीं बस अलूर वंडा खवे ना। काका वंडा तो मैं भी खवे ना पर मेरे जानवर ना खीर देन देन ना मोटे थी देन। काका तू भी मेरी तरह अपने जानवर को अलूर वंडा खवा। अलूर वंडे आले दूध ते गोश्त च इजाफे दी 100% गारंटी देन। केमिकल ते टॉक्सिन तो पाक गारंटी शुदा वंडा अलूर वंडा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ते नेस्ले तो मंजूर शुदा वंडा है। अलूर वंडा खवावन नाल जानवर खीर भी ज्यादा देंदेन ते मोटे ते सेहतमंद भी थी वेंदेन। बस काका अलूर वंडा खवा दूध ते गोश्त दी पैदावार वधा। अच्छा ए अलूर वंडा मिलसी किथों। अलूर वंडा मिलसी उमर ट्रेडर्स नज़द मिर्ज़ा नासर बेग पंप कहरोड़ पक्का रोड लोधरा। उमर ट्रेडर्स आले अलूर वंडा दे मेन होलसेल डीलर हैं। अते सुन अलूर वंडे दे नाल नाल इन्हां कोल बई कंपनियां दे गारंटी शुदा वंडे भी मौजूद हैं। इन्हां दा मोबाइल नंबर सुन गए प्रोपराइटर फारूक रशीद भट्टी राबिता नंबर 0375793964 नंबर दोबारा सुन गए 0375793964। एक बार ही दिखा दो आका मुझे साहब सुने गाड़ी घिंदा पई। इरादा ता है लेकिन पहले उमरा करे सू वल गाड़ी घिंसू। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह सही जरूर उमरा करावे लेकिन एक कम कर मलिक हारिस ट्रेवल्स एंड टूर तू वीजा लवावी क्योंकि इस्लामाबाद फैसलाबाद बहावलपुर च शानदार कामयाबी दे बाद अपने शहर लोधरा च मलिक हारिस ट्रेवल्स एंड टूर्स दा शानदार इफ्तिताह थी चुके ते ही खुशी च मलिक हारिस ट्रेवल्स
ट्रैवल्स एंड टूर्स आले बहु वड्डी ऑफर देंदे पेन हज या उमरा दा वीजा लवाओ ते बजरिया कुरानदाजी जितो नवी मेहरान कार उमरा भी थी वेसी ते अल्लाह करे सी कार भी निकला सी ते देर ना कर जल्दी पुज क्योंकि हज ते उमरा दे वीजे दी बुकिंग जारी है ते वीजा भी मुल्तान ते बहावलपुर तू सस्ता है ते सुन इन्हां कोल हर मुल्क दी एयरलाइंस दियां सस्ती तरीन टिकटां मौजूद हैं मलिक हारिस ट्रैवल्स एंड टूर्स नज़द लातस्का होटल कहरोड़ मोड़ सुपर चौक लोधरा मैनेजिंग डायरेक्टर असगर हुसैन सरप्रस्त आला मलिक मोहम्मद फारूक अराई राबता नंबर 0302-786-786-5 0301-780-94-11 शुक्रिया पाकिस्तान फैसल पब्लिक स्कूल मुल्तान रोड अड्डा परमट 1983 तालीमी खिदमत देने वाला वाहिद इदारा पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन से इल्हाक शुदा पैफ की जानब से मैट्रिक और मिडल में पास 30 तलबा के लिए वज़ाइफ लेने वाला वाहिद इदारा बेहतरीन इमारत तालीम याफ्ता स्टाफ गर्ल्स और बॉयज के लिए अलग अलग कैंपस नर्सरी तक मैट्रिक मुफ्त किताबें मुफ्त तालीम नर्सरी तक मैट्रिक दाखिले जारी है मैट्रिक का 100% रिजल्ट देने वाला इदारा शानदार रिजल्ट क्लास 9 2018 मोहम्मद हफीजुल्ला ने 505 में से 478 नंबर हासिल किए क्लास 10 में रुबीना नवाज ने 1100 में से 1051 नंबर हासिल करके इदारे का नाम रोशन किया अल फैसल पब्लिक स्कूल मुल्तान रोड अड्डा परमट मैनेजिंग डायरेक्टर सज्जाद फरीद फरीदी राबिता नंबर 0300-6849-330 साफ शफाफ सेहतमंद जिल्द आपके हुस्न का आईना जिल्द की हिफाजत खूबसूरती और फेयर कॉम्प्लेक्शन के लिए फाइजा ब्यूटी क्रीम से बेहतर और कुछ भी नहीं असली फाइजा ब्यूटी क्रीम की पहचान पूनिया ब्रदर्स का नाम और लोगो 22-31-90 SMS वेरिफिकेशन कोड और पूनिया ब्रदर्स का निशान फाइजा ब्यूटी क्रीम मेरा भरोसा FM 98 जीवे पाकिस्तान पर अपने कारोबार की बेहतरीन एडवरटाइज के लिए अभी राबता करें मार्केटिंग मैनेजर मोहम्मद सज्जाद चौधरी राबता नंबर 0378-76-0300-787-6176 आप सुन रहे हैं जीवे पाकिस्तान पाकिस्तान FM अस्सलाम वालेकुम मार का क्या हाल है ठीक ही वे खुशी वे तबीयत सेहत ठीक है हालात उछक के ना उम्मीद है ठीक ठाक खुशबाश ते फिट फाट हो सो एक बार प्रोग्राम च आपको वेलकम आक्सा जी आया को सत बिस्मिल्ला सजना में अखी ठरन दोस्तों कॉस्मेटिक सिच खास तौर दे बहुत जरूरी है क्योंकि बाजुकात हिक्का क्रीम इस्तेमाल कर करते चेहरे दा सतिया नास थी वेंदे आज दा प्रोग्राम खसूसी तौर ते ई हवाले दे नाल घिन के हाजिर थिया और आपको दसना है कि ई वक्त केड़ी क्रीम है जेड़ी आपते वास्ते बहुत ज्यादा फायदेमंद है और चेहरे दे हर मसले दा हल भी है और बिल्कुल मुवाफिक कहीं किस्म दा कोई साइड इफेक्ट कहनी उंदा ना क्या है जरा गौर नाल सुन सो क्या ना है सुपर फेस ब्यूटी क्रीम जी हां सुपर फेस ब्यूटी क्रीम जरा गौर नाल सुन सो सुपर फेस ब्यूटी क्रीम जेड़ी हर किस्म दे साइड इफेक्ट तू पाक है चेहरे दे हर मसले दा हल है अगर आपते चेहरे ते किल छाइयां दाग धब्बे और अगर चेहरे दी रंगत सांवली है स्याह थी गए चेहरे ते बदनुमा धब्बे जहर थी गन सुपर फेस ब्यूटी क्रीम सब कुछ खत्म करते चेहरे को खूबसूरत बना दे सी कुछ दिन दे बाद चेहरा लश्का मरेसी एक दफा इस्तेमाल जरूर करे सो सुपर फेस ब्यूटी क्रीम पैसे घट फायदा ज्यादा ना क्या है सुपर फेस ब्यूटी क्रीम खूबसूरत तोहफा आपते वास्ते सुपर फेस ब्यूटी क्रीम जी आओ
सुपर फेस ब्यूटी क्रीम। दोस्तों धोखा न खाओ, अपने आप को धोखे की नो बचाओ, अपने चेहरे ते तरस खाओ, अपने चेहरे को दो नंबर क्रीमा कनो बचाओ। आजकल कारोबारी ते बाजारी क्रीमा ने मत मार दी, अपने आप ते तरस करने चुप करते सुपर फेस ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल करो। दुकानदार आपको कोई बई क्रीम दा अगर आखे, आपने आखने ना लाला ना, साकू सुपर फेस ब्यूटी क्रीम दो चा बस वल दसेंदा वन्या। सुपर फेस ब्यूटी क्रीम आपते चेहरे दा मुकम्मल इलाज है, आपते चेहरे दे वास्ते अनमोल तोहफा है। कुछ नहीं इस्तेमाल उंदे बाद चेहरे दे लश्कारे आप खुद देख सो। और एक बई गल भी वेवरा के देना वन्या के सुपर फेस ब्यूटी क्रीम ओ क्रीम है जेड़ी औरतां अते मर्दां दोहें वास्ते बराबर फायदा मंद है। सुपर फेस ब्यूटी क्रीम ना वलवली गल दसेंदा बैठा के आप धोखे किनु बच्चो, सुपर फेस ब्यूटी क्रीम ना पका घिनो, मिलसी कितू। हाँ जी ए जरा गौर नाल सुन सो, जिथू मैं दसेंदा पिया आपने उथू घिननी है सिर्फ जेड़े पॉइंट जेड़ी जगह। साथ मौजूद हैं जनाब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। एमडी सर्वर खुश रहो जनाब, आबाद रहो। आयान अली भी हमारे साथ मौजूद हैं। आयान अली बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आमिर चिश्ती साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, लियाकतपुर में आप मौजूद हैं, प्रोग्राम सुन रहे हैं। आमिर चिश्ती साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मज़र हाशमी साहब इस टाइम लियाकतपुर में मौजूद हैं और फेसबुक से लाइव मेरा प्रोग्राम सुन रहे हैं। मज़र हाशमी साहब बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। अकबर मुगल साहब भी आप प्रोग्राम में शामिल हुए। अकबर मुगल साहब बहुत बहुत शुक्रिया। गुलाम नबी मेरा साथ दे रहे हैं। गुलाम नबी बहुत शुक्रिया जनाब आपका। महविश अली प्रोग्राम में शामिल हुई, नाइस कहती हैं। महविश अली बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मज़र आशमी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मलिक जावेद जनाब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। यूसुफ मलिक आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पुनू खान साहब बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, हमेशा की तरफ पोस्ट भी लाइक करते हैं, कमेंट्स भी करते हैं और प्रोग्राम लाइव भी सुनते हैं जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सैफुल्ला खान हमारे साथ मौजूद हैं। असद माई भी मुझे सुन रहे हैं, असद माई बहुत बहुत शुक्रिया। जवाद अकरम आपकी आवाज़ नहीं आ रही जनाब, उस टाइम रेडियो से लाइव था मैं, तब आवाज़ आप लोगों को नहीं आ रही थी, लेकिन अब फेसबुक के दोस्तों आप लोगों को आवाज़ बिल्कुल आ रही है। और आप मुझे बताइए कि आप मुझे फेसबुक से इस टाइम लाइव देख रहे हैं, तो दोस्तों लाइव देख के मुझे कैसा लग रहा है आपको और कैसा फील कर रहे हैं, क्योंकि रेडियो जो होता है ऑडियो होता है। और आज मैं अपनी आईडी आरजे मोहसिन अहमद की आईडी से लाइव हूं और आप मुझे लाइव देख रहे हैं और लाइव सुन रहे हैं, तो दोस्तों बताइए कि आपको मेरी आवाज़ कैसी लग रही है जनाब, बताइए ना। और हाँ, प्रोग्राम में शामिल
हो सकते हैं प्रोग्राम में शामिल होने के तरीके कार तो मैं आपको बता चुका हूँ। मुर्शिद जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। मुर्शिद जी जनाब बहुत बहुत शुक्रिया। आप लिखते हैं, आप लिखते हैं, जरा सी बात नहीं है कि भूल जाऊं उसे, जरा सी बात नहीं है कि भूल जाऊं उसे, हुआ है इश्क कबीरा, हुआ है इश्क कबीरा खुदा, हुआ है इश्क कबीरा खुदा, हुआ है इश्क कबीरा खुदा, तो माफ कीजिए। मुर्शिद जी बहुत शुक्रिया। बहावलपुर में आप मौजूद हैं, प्रोग्राम सुन रहे हैं। तो दोस्तों खुशी, गम और खुशी इंसान की अपनी कैफियत है। गम और खुशी इंसान की अपनी कैफियत के दो नाम हैं। ये इंसान की अपनी वाबस्तगी और ख्वाहिश है कि इंसान के दो रूप हैं। एक इंसान का गम जरूरी नहीं कि दूसरे का भी गम हो, एक इंसान का गम जरूरी नहीं कि दूसरे का भी गम हो। इसके बिल्कुल अगर दूसरी बार सोचा जाए तो इसके बरक्स एक गम और दूसरा खुशी बनकर उभर जाता है, जो इंसान के दिल में उठता है, इंसान की खामोशी तोड़ देता है। गम, जब इंसान को गम होता है ना तो इंसान अकेला हो जाता है, इंसान को कुछ और नजर नहीं आ रहा होता। जनाब कुछ ऐसा है कि वो कहते हैं ना कि आंखों की बात करते हैं, जादूगर थी आंखें उसकी, जादूगर थी आंखें उसकी, बातें करते होंठ अचानक रुक जाते, जादूगर थी आंखें उसकी, बातें करते होंठ अचानक रुक जाते, और आंखें उसके पीछे पीछे चल पड़ती थी, और आंखें उसके पीछे पीछे चल पड़ती थी, ध्यान कर रास्ता खो जाता था, ध्यान का रास्ता खो जाता था, कमरे का वो हिस्सा, कमरे का वो हिस्सा जिसे यकदम रोशन हो जाता था मेरी आंखों के सामने, जादूगर थी आंखें उसकी, जादूगर थी आंखें उसकी, पलकें थी एक राज, जादूगर थी आंखें उसकी, पलकें थी एक राज, रूह में झिल मिल कर देती थी वो आंखें, ऐसी थी आंखें उसकी, ऐसी थी आवाज उसकी। असमत मैगल भी प्रोग्राम में शामिल हुए। असमत मैगल बहुत बहुत शुक्रिया। जफर नाइच साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुर्शिद जी इस टाइम मोहम्मद शकील जो के रेस्क्यू में होते हैं बहावलपुर में, अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते हैं, आज अपने गांव मौजूद हैं हासिलपुर में। मुर्शिद जी मोहम्मद शकील साहब बहुत शुक्रिया आपका। प्रोग्राम इस टाइम आप सुन रहे हैं, बहावलपुर में तो नहीं है, हासिलपुर में है, बहुत शुक्रिया आपका जनाब। दोस्तों प्रोग्राम में खूबसूरत संगीत आप सब समातों की नजर, सुनिए और इंजॉय कीजिए।
प्रोग्राम में शामिल हुई। आप लिखती हैं कि आपका प्रोग्राम बहुत ही अच्छा है, नाइस प्रोग्राम है, और उसके बाद आप लिखती हैं कि शायद आपको मेरा पहला वाला मैसेज नहीं मिला। आसमा साहिबा, आपका मैसेज वाकई मुझे नहीं मिला, दोबारा से कीजिए, मैं आपका मैसेज प्रोग्राम में ज़रूर शामिल करूँगा। अच्छा दोस्तों, ऐसा है कि आज लाइव कॉल मैं प्रोग्राम में बिल्कुल नहीं ले रहा हूं, क्योंकि आज टेक्निकल इशू है जो कंसोल के साथ मौजूद है, जो मैं लाइव कॉल बिल्कुल भी नहीं लेना चाह रहा। ऑफियर कॉल अगर आप मुझसे करना चाहते हैं तो मोबाइल मेरे साथ मौजूद हैं, ऑफियर कॉल मुझसे कर सकते हैं। बहुत सारे नाम जो ऑफियर कॉल पर मैंने लिख रखे हैं, उनके नाम भी लेना चाहूँगा। राबिया गुल साहिबा ऑफियर कॉल पे प्रोग्राम में शामिल हुई। राबिया गुल साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने का, और प्रोग्राम की आपने तारीफ़ की, मेरी आवाज़ की आपने तारीफ़ की। राबिया गुल, बहुत शुक्रिया आपका, खुश रहें, आबाद रहें। वंस अगेन वेलकम बैक दोस्तों, एक मरतबा फिर दिल की अफसाने की महफिल में मोहसिन अहमद खुश आमदीद कहता है। दोस्तों आज आप सब ने मेरा प्रोग्राम सुना, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबको आज का प्रोग्राम बहुत ही अच्छा लगा होगा। मैं जानता हूं कि आज मैंने फास्ट वाला प्रोग्राम किया है, बिल्कुल ज़्यादा फास्ट था, मेरे अल्फाज की जो अदायगी थी बहुत ही ज़्यादा फास्ट थी। जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो दिल वालों की महफिल, दिल के अफसाने प्रोग्राम होता है, बहुत ही स्लो होता है, और आज मैं ज़्यादा एक्साइटेड था और खुश था और फेसबुक से लाइव था, तो मैंने आज का प्रोग्राम जो है ना फास्ट किया है। 4471 पे मुझे मैसेज मिले हैं। हम बुशरा साहिबा इस टाइम रहीम यार खान में मौजूद हैं और मेरा प्रोग्राम सुन रही हैं। बुशरा साहिबा लिखती हैं कि मोहसिन आपका प्रोग्राम बहुत ही अच्छा है, मैं आपका प्रोग्राम सुनती हूं, बहुत सारी तारीफ़ें आपने लिख डाली हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, आबाद रहें, खुश रहें। आमिर साहब भी प्रोग्राम में शामिल हुए बहावलपुर से। आमिर साहब बहुत शुक्रिया मैसेजेस करने का। सो दोस्तों एक बात है, वो बात ये है कि भड़काएं मेरी प्यास को अक्सर तेरी आंखें, भड़काएं मेरी प्यास को अक्सर तेरी आंखें, सहरा मेरा चेहरा है समंदर तेरी आंखें, फिर कौन भला दाद तबस्सुम उन्हें देगा, रोएंगी बहुत मुझसे बिछड़ कर तेरी आंखें, बोझल नजर आती हैं बाजहर मुझे लेकिन, बोझल नजर आती हैं बाजहर मुझे लेकिन, खुलती हैं बहुत दिल में उतर कर तेरी आंखें, अब तक मेरी यादों से मिटाए नहीं मिटता, अब तक मेरी यादों से मिटाए नहीं मिटता, भीगी हुई एक शाम का मंजर तेरी आंखों में, भीगी हुई तेरी शाम का मंजर तेरी आंखों में समाया हुआ है, मुमकिन हो तो एक ताज़ा गज़ल और भी कह लूं,
ممکن ہو تو تازہ غزل اور بھی کہہ لوں، یوں دیکھتے رہنا اسے اچھا نہیں محسن، یوں دیکھتے رہنا اسے اور اچھا نہیں محسن، وہ کانچ کا پیکر ہے تو پتھر تیری آنکھیں، وہ کانچ کا پتھر ہے تو پتھر تیری آنکھیں۔ اسد ارمان پروگرام میں شامل ہوئے، لاسٹ میں آپ سب کے میسیجز میں پروگرام میں شامل کرتا چلوں۔ ریاض بھٹی پروگرام میں شامل ہوئے، ریاض بھٹی بہت شکریہ آپ کا۔ امجد کشکیلی پروگرام میں شامل ہوئے، امجد صاحب بہت شکریہ۔ اسامہ چودھری بھی پروگرام میں شامل ہوئے، جناب بہت شکریہ۔ انجینئر میاں نعمان صاحب بھی پروگرام میں شامل ہوئے، جناب بہت بہت شکریہ آپ کا۔ کیسر نوناری پروگرام میں شامل ہوئے، مرشد جی ہمارے ساتھ موجود ہیں، شکیل ہیں حاصل پور سے، شکیل احمد بہت شکریہ۔ سو دوستو، پروگرام کا ٹائم جو ہے نا بالکل ختم ہوا چاہتا ہے۔ دوستو پچھڑنا جو ہے نا بہت ہی تکلیف دہ عمل ہے۔ آج کے زمانے میں کوئی آپ سے بچھڑتا ہے نا تو یہ مت سوچنا کہ اس کی کوئی مجبوری رہی ہوگی، صرف اتنا سوچنا کہ اس کا آپ سے جی بھر گیا ہے۔ سمپل اتنی سی بات ہے، ورنہ آج کے زمانے میں کسی سے تعلق رکھنا مشکل ہی نہیں ہے، بلکہ بہت ممکن ہے، بہت ہی مشکل ہے۔ دوستو ہمیشہ کی طرح جاتے ہوئے ایک میسج میں آپ سب کو ہمیشہ دے کے جاتا ہوں کہ دوستو اپنی زندگی میں ایسے لوگوں کو ہرگز شامل نہ کیا کیجئے جو آپ کو نیچے لے جانے کا سبب بن رہے ہوں۔ دوستو اپنے وجدان پر بھروسہ رکھیں، اچھے تعلقات اچھا احساس دلاتے ہیں، وہ دردناک نہیں ہوا کرتے۔ دوستو اسی کے ساتھ ہم اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کو زندگی کے ہر موڑ پر اچھی صحت، خوشیاں اور کامیابی عطا کرے۔ ایک خوبصورت شعر کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا۔ برسوں روئے گا زمانہ ہمیں بھی یاد کر کے، برسوں روئے گا زمانہ ہمیں بھی یاد کر کے، گنیں گے سب ہماری خوبیاں جب ہم نہ ہوں گے۔ پاکستان زندہ باد، پاک آرمی پائندہ باد۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد، پاک آرمی پائندہ باد۔ خوشخبری، شادمان ہاؤسنگ میں پلاٹ لینا ہوا بہت آسان، ایڈوانس صرف 10%، اور ماہانہ کے صرف 3000 فی مہینہ۔ آج ہی آفس۔ آلرائٹ جی دوستو، فیس بک کے دوستو جو ہے نا اس ٹائم میرا پروگرام آپ لائیو سن رہے تھے۔ دوستو پروگرام میں تو آپ لوگ شامل ہوئے، لیکن آپ لوگوں کے میں نے نام بہت ہی کم لیے ہیں، کیونکہ میں ان کے بھی میسیجز پروگرام میں شامل کر رہا تھا اور آپ لوگوں کی بھی پروگرام میں میسیج شامل کر رہا تھا۔ لیکن دوستو ایسا ہے کہ ابھی تو جو ہے نا پروگرام کا ٹائم بالکل ختم ہوا چاہتا ہے۔ ایوری سنڈے میں پروگرام کرتا ہوں ریڈیو جی وے پاکستان سے، لائیو پروگرام دل والوں کی محفل، دل کے افسانے۔ آپ فیس بک سے تو میں ویسے آج آیا ہوں کہ آج فیس بک کے لوگوں کو بھی دکھایا جائے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو فیس بک پہ آئی ڈی بنی ہوئی ہے فیک آئی ڈی ہے۔ فیک آئی ڈی کافی آر جیس نے بنائی ہوئی ہے، میرے نام سے بنائی ہوئی ہے، میرے نام سے گروپس بھی بنائے ہوئے ہیں، فیک آئی ڈی بنائی ہوئی ہیں۔ کافی سارے پیج میرے نام سے موجود ہیں آر جے محسن کے نام سے، اور کافی لوگوں نے مجھے کمپلین کی ہے کہ مجھ سے ان بکس میں پوچھا ہے کہ آپ واقعی آر جے محسن ہیں کیا، آپ واقعی پروگرام کرتے ہیں یا فیک آئی ڈی بنائی ہوئی ہے۔ سو دوستو جو بھی اس ٹائم دوست مجھے سن رہے ہیں، سو دوستو آر جے محسن کی اوریجنل آئی ڈی ویریفائڈ ہے، آپ میری پروفائل میں چیک کر سکتے ہیں، ویریفائڈ آئی ڈی، آپ مجھے دیکھ سکتے ہیں، اس ٹائم لائیو ہوں۔ اور دوستو اصل میں یہ ہے کہ جو بھی فیک آئی ڈیز ہوتی ہیں وہ اگر میرا یہ پروگرام اپنی آئی ڈیز پہ شیئر کر بھی لیتے ہیں، پوسٹ کر بھی دیتے ہیں، لیکن میں اپنی جو پوسٹ ہے نا ایوری سنڈے کرتا ہوں، ڈیلی میں کوئی پوسٹ پروگرام کی نہیں کرتا ہوں۔ جب میرا پروگرام ہوتا ہے اس دن میں پروگرام کی پوسٹ کرتا ہوں۔ سو دوستو آپ تمام کا بہت بہت شکریہ کہ آپ میرے پروگرام میں شامل ہوئے۔
پروگرام میں. دوستوں کچھ دوست مجھے مجھے مہانور ظفر صاحبہ بھی اس ٹائم موجود ہیں. مہانور ظفر صاحب مہانور ظفر صاحبہ یہ جو ہے نا ریڈیو جی وے پاکستان ہے, یو کین سی ریڈیو جی وے پاکستان ایف ایم نیٹورک میں اس ٹائم موجود ہوں اپنے اسٹوڈیو میں. آپ دیکھ سکتے ہیں, آپ کو میں اسٹوڈیو بھی دکھا دیتا ہوں. یہ ہمارا اسٹوڈیو ہے, اس ٹائم میں لودرا میں لودرا شہر میں موجود ہوں. لودرا شہر میں موجود 98 بہاول پور میں اور لودرا میں سنا جاتا ہے, اور اس کے علاوہ جو 97 ہے 97 جو ہے نا وہ خانے وال میں سنا جاتا ہے. خانے وال کے جو دوست ہیں وہ مجھے 97 سے سنتے ہیں. خانے وال اور ملتان میں 97 سے سن سکتے ہیں, اور 100 ایف ایم پہ آپ مجھے سن سکتے ہیں احمد پور شرقیہ میں, اور 99 میں خانے وال میں آپ مجھے سن سکتے ہیں. صادق آباد میں جو لوگ موجود ہیں صادق آباد میں بھی مجھے سن سکتے ہیں دوستوں. سو دوستو میں آپ سب سے فائنلی اجازت چاہوں گا کیونکہ پروگرام کا جو ٹائم ہے نا بالکل ختم ہونے والا ہے, اور ختم ہو چکا ہے. فائنلی میں بائے بھی بول چکا ہوں اور پروگرام بالکل اینڈ کر چکا ہوں, اور میں آپ لوگوں کو ایک خوبصورت شعر سناتا چلوں. وہ یہ ہے کہ دوستو آپ کو پہلے ایک میں میسج دوں گا. اپنی زندگی میں دوستو ایسے لوگوں کو شامل نہ کیا کیجیے جو آپ کو نیچے لے جانے کا سبب بن رہے ہوں. اچھے اپنے وجدان پر ہمیشہ بھروسہ رکھیں. اچھے تعلقات جو ہے نا اچھا احساس دلاتے ہیں, وہ دردناک نہیں ہوا کرتے. یہ ریڈیو جیوے پاکستان ایف ایم نیٹورک کے ان کی چار فریکوینسیز ہیں 97 اور 98 99 ایف ایم 100 آپ سب کو میں بتا چکا ہوں, اور اب آئی ہوپ کہ آپ سب کو پروگرام کی سمجھ آ گئی ہوگی کہ میرا پروگرام کس دن ہوتا ہے. میرا پروگرام ہر اتوار کو 10 سے لے کے 12 بجے تک ہوتا ہے. دوستو مرشد جی میرا ساتھ دے رہے ہیں اس ٹائم, جو ان کو نیند جو ہے نا بہت زیادہ آتی ہے, لیکن آج میرے ساتھ موجود ہیں مہانور. نور فاطمہ بھی میرے ساتھ موجود ہیں, گڈ کہتی ہیں نور فاطمہ, بہت بہت شکریہ. فائنلی اب مجھے لودرا سے اپنے شہر بہاول پور میں جانا پڑے گا. بہاول پور یہاں لودرا سے جو ہے نا بہت ہی دور ہے, 25 کلومیٹر کا فاصلہ ہے جو میں یہاں سے جاؤں گا اپنے سٹی میں, کیونکہ وہاں ہمارے بہاول پور میں جو ہے نا اسٹوڈیو نہیں ہے. ہمارے طارق ہاشمی صاحب جو ہیں وہاں اسٹوڈیو ہوا کرتا تھا, لیکن وہ اسلام آباد شفٹ ہو چکے ہیں, وہاں اسٹوڈیو ہمارا نہیں ہے. لیکن مجھے آپ لوگوں تک اپنی آواز آپ کی سماعتوں تک آواز پہنچانے کے لیے صرف اور صرف لودرا شہر میں آنا پڑتا ہے. دوستوں دیکھ لو میری آپ سے کتنا محبت ہے. میں 25 کلومیٹر سفر کر کے آپ لوگوں کو اپنی آواز سنانے کے لیے یہاں آتا ہوں. شو کی ٹائم دوستو یہ ہے کہ 10 سے لے کے 12 بجے تک دل والوں کی محفل, دل کے افسانے آپ سنتے ہیں محسن احمد کے ساتھ. سو دوستو اسی کے ساتھ اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ اللہ پاک آپ کی زندگیوں کو خوشیوں سے بھر دے. زندگی جو ہے نا بہت ہی مختصر ہے, ایک دن سمجھ آتے آتے گزر ہی جاتی ہے. دوستو ہم دل میں کوئی ایسی بات نہ رکھیں اور نہ ہی ایک دوسرے کے درمیان جھگڑے تاویل ہونے دیں. اللہ پاک ہم سب کو زندگی کے ہر موڑ پر اچھی صحت, خوشیاں اور کامیابی عطا کرے. اسلام آباد میں تو اس ٹائم ہمارا کوئی چینل موجود نہیں ہے, لیکن ہیڈ آفس جو ہے نا ہیڈ آفس ہمارا ہیڈ آفس اسلام آباد میں موجود ہے. لیکن دوستو ابھی میں آپ سے اجازت چاہوں گا. فائنلی بھائی چاچا اللہ حافظ. اللہ نے کے بعد اپنی دعاؤں میں محسن احمد کو یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. لو یو آل, لو یو آل.